हसन, कहाँ जा रहे हो? मामू जरा दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। ऑफिस कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहे हैं माँ, लेकिन मामलात को समझने में टाइम तो लगता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मेरे लिए मुश्किल होगा, पर आप डैड से कहें कि वो मुतमईन रहे। अच्छी बात है, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया। हम गैर जिम्मेदार तो खैर मैं कभी भी नहीं था। हाँ, शादी के मौके पे डैड थोड़ा नाराज हो गया था मुझसे। काश शादी के मौके पे भी तुम हमारा ख्याल रख लेते। आज तुम भी बेटा मुतमईन होते और हम भी सुकून से होते, और इस तरह तुम्हें दोस्तों की गैदरिंग ढूंढने का मौका भी ना मिलता। अब जो होना था सो हो गया, इन बातों का क्या फायदा। अभी इतनी देर भी नहीं हुई है, गलती इंसान से हो जाती है, लेकिन इसका अजाला जल्द से जल्द किया जा सकता है। ओहो, ये तो बिल्कुल नई कहानी है। अम्मी जी हसन को क्या सबक सिखा रही हैं? वाह सामी, क्या बात सुनने को मिली। अरे चांद, ऐसे अकेली क्यों बैठी हो? हसन घर पर नहीं है? दोस्तों की गैदरिंग थी, वो वहीं गए। वैसे तुमने कंफर्म तो कर लिया होगा ना कि दोस्तों की गैदरिंग नहीं गया है? या क्या मतलब, आप क्या कहना चाहते हैं? भाई देखो, मुझे तो सच्ची और सीधी बात करने की आदत है, ये हेरा फेरी की बातें मुझसे नहीं। मैं कहना सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हसन पर थोड़ी सी नजर रखना शुरू करो। आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने काबू में करने की कोशिश। तुम्हें मालूम है जान, अम्मी हसन की दूसरी शादी करवाने के मूड में। और वैसे जब ये बात अम्मी ने हसन से की ना, तो हसन बिल्कुल दिलो जान से राजी लग रहा था इस बात के लिए। कैसी लड़की है ये, मैंने इसके सामने इतना बड़ा धमाका किया, तो ये है कि मेरी शक्ल देखी जा रही है। कुछ तो मुंह से बोलती ताकि आगे जाकर मजीद फुलझड़ी छोड़ने का मजा आता। चांद, तुमने मेरी बात गौर से तो सुन ली है ना? सुन रही हूँ मैं। तो फिर इस तरह खामोश क्यों बैठी हो? बीवियां तो अपने शोहर की दूसरी शादी का सुनकर जमीन और आसमान एक कर देती, और तुम यूं बैठी हो कि जैसे मैंने किसी अखबार की कोई खबर पढ़ के सुना दी हो तुम्हें। मुझे मेरे अल्लाह पे पूरा भरोसा है, मैंने अपने सारे मामलात अल्लाह ताला पे छोड़ दिए। मुझे नहीं लगता कि मेरा अल्लाह मेरे साथ कुछ बुरा होने देगा।